हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। इस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। प्रोटेस्ट हुआ इसे दो हफ्ता डेढ़ पहले ऑलमोस्ट, और बहुत पाकिस्तान में उसकी हाइप बनी बहुत ज्यादा, उसके अंदर 5-6 लोगों की जानें भी गई। अब फिर से प्रोटेस्ट वहां पे होता नजर आ रहा है, और उसकी रीजन ये है कि वहां उस प्रोटेस्ट में जो लोगों को उठाया गया था, जो जेल में भेजा गया था, उन्हें आजादी के लिए। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं देखने वालों को बताता चलूं कि पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात की जाए, जियो पॉलिटिक्स हो या इंटरनल पॉलिटिक्स हो, सर को काफी उसके ऊपर जो सा वो ग्रिप रहती है, नॉलेज रहता है। सर सबसे पहले मुझे बताएं क्या वजह होती है किसी भी स्टेट में प्रोटेस्ट होने की। सबसे जो पहली रीजन है, 1952 में साहिल लुधियानवी ने एक नज़्म लिखी थी मादाम। अच्छा। उस मादाम नज्म का पहला मिसरा था कि नूर सरमाया से है रूहे तमद्दुन की जिला, कि दुनिया में जितनी भी तहजीबें पलती हैं वो नूर सरमाया की बदौलत होती हैं। ठीक है। जिन तहजीबों में नूर सरमाया यानी पैसा नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं थी, वहाँ मसाइल ही मसाइल रहे हैं, तो वो कभी पनप नहीं सके। ठीक है। पनपी वो जैसे यूरोप पनपा क्योंकि एनवायरनमेंट और वहाँ पे नूर सरमाया मौजूद था। अफ्रीका कभी नहीं पनप सका, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, सेंट्रल एशिया है। हाँ। इसके ना पनपने की वजह वो जो कहा था सादक अस बंगाल जाफर अस दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन, मतलब सराजुद्दौला और टीपू सुल्तान से जो गद्दारी हुई। हाँ। तो टीपू सुल्तान ने कहा था कि ये कौम जो है पोथी आने वाले वक्त में पोथी पोथी को तरसेगी, कि गोरे जब यहाँ पे काबज हुए और फिर 100-125 साल उन्होंने यहाँ से लूट कसूट के यूरोप को भी पाला, बाकी मुल्कों को भी पाला और खुद भी पले। अब जो वो पैसा खत्म हुआ तो अब यूरोप की हालत जो है इस वक्त $19 ट्रिलियन अंडर यानी बार है, अंडर उसके वो लोन्स हैं। सर आपने ये इस हमारे खित्ते की बात की, साउथ एशिया की बात की, लेकिन साउथ एशिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे से बेहतर कंडीशन में या बेहतरी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर नेबर कंट्री को देख लें, जैसे आपने बोला गोरों ने हुकूमत की 100-150 साल, जितना टाइम भी गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, उसी उन्हीं गोरों से आजादी हासिल करने के बाद आज इंडिया की तरह और पाकिस्तान की तरह। उसकी मेन रीजन दो तीन मेन रीजन है, इन अमल मालो बिन नियाद, चाहे तो वो हिंदू थे उसमें मुसलमान का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। उन्होंने शुरू ही में जो 100-150 साल की स्ट्रगल थी भांप लिया था कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है, और हमने उनको इम्प्रोवाइज करना। गोरे ने इंडिया ने उनकी लीडरशिप में उन्होंने ये भी भांप लिया था कि गोरे ने हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया, डिवाइड एंड रूल कैसे अप्लाई किया, और हमारी किन किन लोगों को उन्होंने रियासतें बना के दे दी, ठीक है, किन लोगों को उनकी मरवाया गया। आपको पता है ना, ब्रिटानिया ने सब कॉन्टिनेंट में 57,000 स्कॉलर को मारा था। ओहो, 57,000। और किन के थ्रू ये फ्यूडल लॉर्ड जो बड़े बड़े बने हैं, जिनको ये बनाया, कोई घोड़े की जमीन दी, खच्चर की जमीन। यस, 57,000 स्कॉलर्स वर असैसिनेटेड, ठीक है, इन ब्रिटिश टाइम। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और जो टाइटल था उससे रिलेटेड, मतलब जो स्टार्ट में दिखाई गई थी ना, तो एक छोटा सा क्लिप के कश्मीर पे प्रोटेस्ट पहले भी हुआ है, अभी दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई है इस वीडियो में। मेरे ख्याल से ये जो जिनका चैनल है इनको थोड़ा सा मतलब वीडियोज के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि जो टॉपिक है या तो उससे रिलेटेड वीडियो डालें, क्योंकि वीडियो एक्चुअली इनकी छोटी होती है, हमें भी थोड़ा जो है ना अपना वो कहते हैं कि रिएक्शन देने का मौका मिल जाता है, वरना अगर वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो तो फिर जैसी बात है हम लोग भी जब अपना रिएक्शन देते हैं तो फिर वीडियो एक्स्ट्रा लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को भी देखने में मसला होता है। छोटी सी भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को भी आसानी रहे और आप लोगों को भी आसानी रहे, लेकिन ये वीडियो के टाइटल से कम्प्लीटली हटके थी। बहरहाल जो टाइटल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मुझे वैसे मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने न्यूज़ वगैरह से भी थोड़ी मैं दूर हूँ, कि अभी दोबारा से प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो रहा है। जैसे इन्होंने सोहेब ने बोला था कि जो पिछले जो जाने गई है ना उनके बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो
पाकिस्तान साइड वाला जो कश्मीर है ना वो भी आबादी हो गया कि ये हुकूमत जो है ना ये इसी वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये इसी तरीके से ये मानने वाली है। पहले जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी बातें मनवाई है ना, अब जो है ना अब दोबारा से हमारी जाने भाई क्यों कीमती जानों का क्यों दिया हुआ हमारी जाने को, ये भी थोड़ी है कि जिन जो है ना वो इन्होंने मार दिए इतने बंदे तो उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनको मजा चखाते हैं। जैसे पहली हमारी डिमांड सारी पूरी हुई है ना तो अभी भी इस तरीके से करवाते, तो मुझे लग रहा है उनका जो मोटिव है ना वो ये है। वैसे अभी जो मुझे है ना वो राइट पे लग रहे हैं अभी का, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में कि हमारी कीमती जाने भाई क्यों जाया की है, तो ये मुझे लग रहा है कि राइट पे है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि जब प्रोटेस्ट होता है ना तो फिर दोनों साइडेड जो है ना इक्वली देखे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पुलिस या कोई आपको रोक रहा है कि ये एक रेड जोन है या ये एक लाइन है कि इसको आपने क्रॉस नहीं करना, लेकिन आप अगर वो कहते हैं ना कि हम्बली आप एक जगह पर बैठ के आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन फिर वो बात हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जो शीले भी होते हैं उनसे नहीं बर्दाश्त होता, वो कहते हैं नहीं जी हमने आज ही ये चीज मनवा के छोड़नी है, तो फिर पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ता है और आगे से फिर जो है वो लोग भी बर्दाश्त नहीं करते वो लोग, तो ये दोनों साइडेड का जब वो कहते हैं ना जब सिविल वार एक टाइप की होती है ना तो फिर दोनों साइडेड का ही कसूर मैं तो मानूंगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों साइडेड का किसी का 1% ज्यादा हो गया हो जाता होगा किसी का कम हो जाता होगा, लेकिन कसूर दोनों साइड का होता है। लेकिन फिर भी ये सही कर रहे हैं अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि भाई क्यों यहाँ पर जो है वो कीमती जानों का ज्यादा, तो ये बेहतर है। लेकिन पहले जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसकी उसके मामले में उनकी सुनी गई, और अभी तो जैसे बड़ी ईद आ रही है ना तो ये भी एक लेटेस्ट न्यूज मैंने सुनी थी कि जैसे सब लोग हमारे मुसलमान जो है वो कुर्बानी करते हैं, तो सबके घरों में जिनके मतलब नहीं भी कुर्बानी होती उनके घर भी कहीं ना कहीं से गोश्त जो है ना वो आ ही जाता है, जितने भी गरीब, क्योंकि गरीबों का हिस्सा अलग से होता है तो आते हैं उनके घर ना, तो अभी हुकूमत ने क्या किया कि सब जितने भी कसाई है ना उनको कह दिया है कि हमारे यहाँ पर तकरीबन 2000 पर केजी के हिसाब से मीट बिकता है जो मटन है, अब उन्होंने कह दिया कि इसको 13-12 इस रेंज में करो, कि ईद आ रही है और अभी मतलब अपनी तरफ से सुकून दे रहे हैं ना लोगों को कि हमने गोश्त बड़ा सस्ता कर दिया और आगे ईद आ रही है, ताकि लोगों ने कहाँ लेना, वो जिन्होंने इतना बर्दाश्त किया वो ये कर लेंगे यार अब ईद आ रही है चलो हमें मुफ्त का गोश्त ही मिल जाएगा वही खा लेंगे, अब जैसे ही गुजरेगी इन्होंने फिर जो है वो आसमान के ऊपर जो है ना सवार कर लेना इसको, ईद बल्कि आएगी सब्जियां देखते हैं महंगी होती हैं या नहीं, अगर तो सब्जियां उसी रेट में रहती हैं जैसे टमाटर प्याज वगैरह, क्योंकि इन दिनों में बहुत महंगी हो जाती है, तो फिर तो हम मानेंगे भाई यार गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर फिर एज यूजुअल जो है वो आसमानों के साथ बातें करेंगे तो फिर हमने तो यही कहना है कि यार ये सब ढोंगी रचाया हुआ था इन्होंने, बस नए नए आए हुए थे तो बस वही अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो लेट्स सी अब क्या होता है। अच्छा यहाँ पे आपने मटन की बात की ना, मैं यहाँ पे मटन के साथ जो है ना वो चिकन की भी बात करूंगी, चिकन भी जो है ना वो बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, इनको पता है कि सारी पता है ईद है लोगों ने या तो बड़ा गोश्त खाना है या फिर मटन खाना है, तो चिकन को तो किसी ने पूछना नहीं है, तो उन्होंने कितनी चलाकी से यार ये गेम जो है ना वो पहले से प्लानिंग करना शुरू कर दिया, लोगों को भी खुश कर, हाँ लोग अभी खुश है कि यार चिकन जो है वो बड़ी सस्ती हो गया, लेकिन इनके पीछे वाली जो इनकी स्टोरी है ना इनकी प्लानिंग वो नहीं है समझ पा रहे कि इन्होंने की किस वजह से कि आगे ईद है दरवाजा, चिकन को कोई पूछता नहीं है कि यार हम मटन खाएंगे या वो जो बड़ा गोश्त होता है वो बीफ वो खाएंगे, तो चिकन जो है लोगों ने सस्ती करके रख दी है, लोगों को बस वो कहते हैं ना एक लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा देते हैं जिसको वो जो है मजे लेके चूसते रहते हैं कि यार इन्होंने हमारे साथ अच्छा बड़ा किया है। अच्छा सुहेब जो है वो उसने बात स्टार्ट की कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, जारी बात है जब आपकी जो है वो डिमांड कोई पूरी नहीं करता, पहले आप काफी देर जो है वो चीज को बर्दाश्त करते हो कि अच्छा यार अभी कुछ होगा अभी कुछ होगा अभी कुछ होगा, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो फिर लोगों के पास एक निकाह से एक वही हल रह जाता है कि यार वो आके सड़कों पे निकल के जो है वो एहतजाज करे, लेकिन हमारी मुल्क में ऐसे भी है कि यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे एहतजाज भी देखे हैं कि बार दफा टीचर्स ने बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटेस्ट किया या डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया तो वो कहते हैं ना वो आंसू गैस फेंकना शुरू कर देते हैं, या वो जो वाटर वाला भी करते हैं ना टैंकर के पानी से इतने प्रेशर से पानी फेंकते हैं कि लोग बेचारे उड़ उड़ के जो है वो जाते हैं, तो इतने इतने खतरनाक प्रोटेस्ट भी बेचारे, अगर लोग अमन के साथ सुकून के साथ जो है वो प्रोटेस्ट करें लेकिन ये लोग जो है वो भी नहीं करने देते, तो अभी जैसे पहले हमने कश्मीर में हमने देखा था कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर था जिसको इन लोगों ने जो है वो मार दिया था प्रोटेस्ट में ना, तो फिर आप जो है ना कोई बात है कि बंदे की जो है ना वो आखिरी वो देखते हो हद देखते हो कि यार इसका सबर का पैमाना जो है वो कहाँ पे आके लबरेज हो जाता है, जब वो उनका वो कहते हैं ना पैमाना फट जाता है तो फिर वो जो है वो मारन को टाइप पे आ जाता है, फिर पुलिस वालों को मारते हैं, जैसे पहले है कि अगर आपको पता है कि यार अगर उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही या वो कोई डिमांड कर रहे हैं तो उनके प्रोटेस्ट से पहले जैसे हमने देखा था कि कश्मीर में जो है जैसे आपने बताया था कि बिजली के जो है वो काफी उन्होंने जो है वो कीमतें कम कर दी है,
तो इसका क्या हाल है कि लोग जो है वो सड़कों पे निकले, फिर जो है वो आप जाके उस चीजों को कम करोगे? इससे पहले नहीं आप कम कर सकते, अभी तो कम किया है ना? या इधर आप देख लो, जैसे आप कह रहे हो कि मटन का किया या चिकन का किया रेट कम किया, तो मतलब आप लोगों में इतनी गुंजाइश है कि उस चीज को आप लेके चल सकते हो, तो लोगों को जरूर इतनी गर्मी में सड़कों पे निकाल के जो है वो आपको भी गालियां निकाले और आपको भी मारे, अगर से आप लोग भी जो उनको मारो खून खराबा हो। इससे बेहतर नहीं है कि पहले ही जो है वो उनकी डिमांड जो है वो पूरी कर देनी चाहिए? लेकिन ये हुकूमत भी कहती है कि इतनी ढीठ किस्म की है कि जब तक इनको आगे से गालियां ना पड़े या लोग सड़कों पर ना निकले या मारून कुटाई ना हो, तब तक इन लोगों ने जो है वो लोगों की डिमांड जो है वो पूरी नहीं करनी होती। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।